नाउ मूविंग टूवर्ड्स रिपब्लिक अ रिपब्लिक इज अ स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल्ड बाई हैड हु इज़ इलेक्टेड बाई द पीपल रिपब्लिक मतलब क्या होता है कि ऐसा स्टेट या तो ऐसा राज्य जो या तो प्रत्यक्ष या तो परोक्ष रूल किया जाता है उनके हेड जो भी इलेक्टेड होते हैं पीपल के द्वारा मतलब कि पीपल इलेक्ट करती है वो किंग को या तो उस हेड को डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली वे में और हेड किसके लिए बनाते हैं स्टेट के लिए तो रिपब्लिक मतलब ऐसा स्टेट जो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली रूल कौन करता है हेड और इलेक्ट कौन करता है पीपल मतलब पीपल ही है वो हेड को इलेक्ट करते हैं स्टेट के हेड बनने के लिए

अ स्टेट रन बाय मोर देन वन मेंबर कैन बी कॉल्ड एज रिपब्लिक ऐसा स्टेट जो एक या तो एक से ज्यादा मेंबर या तो एक मेंबर से ज्यादा जो रूल करता है स्टेट को उसको हम क्या बोलते हैं रिपब्लिक एट दिस टाइम देर वेर सम स्टेट्स इन विच द किंग वॉज चूजन बाय दी पीपल कुछ समय के लिए या तो उस टाइम पे काफ़ी ऐसे स्टेट्स थे या बहुत ही कम स्टेट्स थे सॉरी बहुत ही कम स्टेट्स थे जहाँ पर लोग हैं वो किंग को इलेक्ट करते थे रूलिंग के लिए सच अ स्टेट वॉज कॉल्ड रिपब्लिक ऐसे स्टेट्स को बोलते थे रिपब्लिक देर वेर रिपब्लिक्स ऑफ लिच्छावी ऑफ वैशाली शाकियाज ऑफ कपिल वस्तु विदे ऑफ मिथिला माला ऑफ कुशीनरा एक्सेट्रा तो ऐसे रिपब्लिकन स्टेट कौन से थे लिच्छावी जो वैशाली के हैं सु, सुकियास ऑफ कपिला वस्तु, विदे ऑफ मिथिला माला ऑफ कुशीनरा एक्सेट्रा इन सच अ सिस्टम ऑफ अफेयर्स ईच मेंबर वाज गिवेन द स्टेटस ऑफ किंग मतलब जो पीपल या तो जो लोग हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं या तो रिप्रेजेंटेटिव्स भी बोला जा सकता एक से ज़्यादा मेंबर को भी इलेक्ट करते थे और उस मेंबर को इलेक्ट करके उस स्टेट की राजगद्दी उस उनको देकर उसको उनको किंग जैसा स्टेटस मिलता था आगे बढ़ते हैं वैशाली स्टेट मोनार्की विश्ड टू इंक्रीज़ देयर पावर एंड एम्पायर बाय ऑक्यूपाइंग द सराउंडिंग टेरिटरीज मोनार्की मोनार्की मतलब क्या होता है जहाँ पर जो शासक होता है रूलर होता है वही रूल करता है वही डिसीजंस लेता है तो वो विश कर रहे थे कि वो अपना पावर और अपना जो एम्पायर है वो पूरा इंक्रीज़ करे और ऑक्यूपाई करे नज़दीक के टेरिटरीज़ में मतलब नज़दीक की जो बाउंड्रीज़ है उसको अपने कब्जे में ले ले सिंग दिस लिच्छावीस वाजी ज्ञातुक विद्य शाक्या माला एक्सेट्रा एट और नाइन ट्राइब्स हो इस्टब्लिश द यूनियन स्टेट फॉर द प्रोटेक्शन वाज़ नोन एज वाजी स्टेट और इसी मोनार्की सिस्टम को देख कर लिछावी वाजी ज्ञातुक विदे शाकिया माला ऐसे आठ से नौ ट्राइब्स जो थे उन्होंने एक यूनियन स्थापित स्थापित किया यूनियन एक स्टेट स्थापित किया क्यों वो प्रोटेक्शन के लिए और उस यूनियन स्टेट के प्रोटेक्शन के लिए जो ट्राइब्स को स्थापित किया उसको बोलते हैं वाजी स्टेट वैशाली द कैपिटल ऑफ लिछाविस वाज द मेन सेंटर ऑफ द यूनियन स्टेट वैशाली जो है स्टेट उसका कैपिटल था लिछाविस वो सबसे मेन सेंटर था यूनियन स्टेट का इसलिए उसका नाम रिपब्लिक ऑफ वैशाली रखा गया था द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिपब्लिक वॉज governed बाय द सभा तो जो स्टेट का जो कामकाज था वो गवर्न कौन करता था सभा बिकॉज ऑफ विच इट वॉज कॉल्ड द रिपब्लिक इसलिए उसको रिपब्लिक स्टेट बोला जाता था इन रिपब्लिक ऑल द पावर्स ऑफ हाउस रेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द मेम्बर्स रिपब्लिक में क्या होता था सारे पावर्स जो होते थे वो मम्बर्स के हाथ में होते थे ऑल द मेम्बर्स सेट इन सभा ऑल अफेयर्स वेयर पास्ड अवे सॉरी पास्ड इन द हाउस बाय वोट और एनी मिटि जो सारे मेंबर्स जो थे वो बैठ कहाँ एक सभा में बैठे होते हैं और उस सभा में वोटिंग के द्वारा एक मेंबर्स को सिलेक्ट करते थे द प्लेस वेयर मीटिंग वाज हेल्ड कॉल्ड सेंकटम जो प्लेस जहाँ पर मीटिंग की जाती थी या जहाँ पर मीटिंग ऑर्गेनाइज होती थी उसको बोला जाता है सेंकटम द एल्डरली एज वेल एज यूथ वेयर सेलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली या तो एल्डर्स या तो यूथ मतलब जवान जो युवान होते हैं उनको स्टेट असेंबली में इलेक्ट किए जाते थे सिलेक्ट किए जाते थे स्टेट असेंबली में एज अ मेंबर मेंबर के दौर पर इनको एल्डर या तो यूथ को सिलेक्ट किया जाता था चुना जाता था या चयन किया जाता था द रिपब्लिकन्स इलेक्टेड देर प्रेसिडेंट फॉर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हु वॉज चूज़न इलेक्शंस जो रिपब्लिकन्स इलेक्टेड देयर प्रेसिडेंट रिपब्लिकन मतलब लोग जो हैं पीपल हैं वो अपने प्रेसिडेंट को खुद अपने प्रेसिडेंट का चयन या तो इलेक्ट खुद ही करते थे अपने स्टेट के कारोबार को संभालने के लिए और ये कब सिलेक्ट करते इनमें इलेक्शंस होता है वोटिंग होती है वोटिंग के बाद प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जाता है इन द रिपब्लिक ईच मेंबर वाज कंसीडर्ड एज द किंग रिपब्लिक में जो गण राज्य जिसको हम बोलते हैं वहाँ पर हर एक जो सिलेक्टेड मेंबर होता है उसको हम राजा कंसीडर करते हैं या उनको राजा कंसीडर किया जाता है रिपब्लिक्स हैड देयर ओन काउंसिल्स इन विच मेनी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ लाइक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस वॉर ट्रिटी एक्सेट्रा वे डिस्कस्ड एंड देन डिसाइडेड रिपब्लिक्स में क्या होता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में डिस्कशंस होता है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन है मैनेजमेंट है डिफेंस है वॉर है जो युद्ध होता है ट्रिटी है कोई एग्रीमेंट होता है इन सब के बारे में डिस्कस किया जाता है और फिर उसके बाद निर्णय लिया जाता है एनी मेंबर कोड इन्जॉय मेंबरशिप फॉर अ फिक्स टाइम ओनली कोई भी मेंबर होता है वो रूलिंग फिक्स टाइम के लिए ही आ, फिक्स टाइम के लिए अपनी मेंबरशिप को इंजॉय कर सकता है एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी असिस्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है वो प्रेसिडेंट को असिस्ट करती है हेल्प करती है कि वो अपने स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चलाए या तो कोई सजेशंस दे पाती है